हमारे वैदिक और पौराणिक ग्रंथों के अनुसार शाबर मंत्र अचूक और अनादि है, यानी कि शाबर मंत्र तत्काल प्रभाव दिखाने वाले मंत्र, तत्क्षण अपनी ताकत दिखा देने वाले मंत्र माने जाते हैं। सभी मंत्रों के प्रवर्तक वैसे तो भगवान शंकर ही है और शंकर जी के महत्वपूर्ण उपासकों ने भी अपने सिद्ध मंत्र अर्जित किए हैं, जिनके अंतर्गत इन मंत्रों के प्रवर्तक शिव जी के परम भक्त गुरु गोरखनाथ जी भी माने जाते हैं और गुरु मत्स्येंद्रनाथ जी भी माने जाते हैं। और इन लोगों ने, इन कठोर तपस्वियों ने अपनी कठोर साधनाओं के फलस्वरूप इन मंत्रों की रचना की, क्योंकि शाबर मंत्रों का वचन और वर्णन हमें मूल रूप से समझ नहीं आता, वे प्रातः ग्रामीण भाषीय माने जाते हैं। किसके सहित अपने इन मंत्रों को समझ पाना मुश्किल होता है, मगर इस मंत्र को अर्थ को ना समझते हुए इसके मंत्र का जप करने से अवश्य ही हमें सिद्धि प्राप्त हो जाती है, क्योंकि शाबर मंत्रों का अर्थ तो समझने में बनता नहीं है, परंतु ये मंत्र सिद्ध होते हैं और जागृत शाबर मंत्र होते हैं, क्योंकि प्रायः सभी मंत्र गुरु गोरखनाथ जी के द्वारा बनाए गए हैं और यह मंत्र प्राचीन काल से ही प्रचलित है और इनका प्रयोग होता आ रहा है। इसलिए गुण रहस्यो को जानने के लिए हमें सिर्फ इनके मंत्रों का जप करना पड़ता है और तत्काल इनका प्रभाव हमें देखने को मिल जाता है, क्योंकि प्रायः संस्कृत के मंत्रों में समझने के लिए अर्थ होता है और संस्कृत के मंत्रों को समझ सकते हैं, मगर शाबर मंत्र ज़्यादातर ग्रामीण भाषी होते हैं तो उनको समझने की या उसके अंदर गहराई में घुसने की आवश्यकता साधक को नहीं है, अपितु बस उस मंत्र जप के ऊपर, उस मंत्र के ऊपर ही संपूर्ण भरोसा करके मंत्र जप किया जाता है, जिसके अंतर्गत हनुमान जी का आज भी आपको एक शाबर मंत्र बताने वाला हूँ जो कि शीघ्र प्रभावी है और तत्काल बाधा मुक्ति दिलाने वाला है, संकट से तुरंत छुटकारा दिला देने वाला मंत्र है। इस मंत्र के मात्र एक माला प्रथम दिन शनिवार या मंगलवार को सायंकाल में लाल आसन के ऊपर बैठ करके और चंदन की या तुलसी की माला से जप कर सकते हैं, उसके पश्चात यह मंत्र जागृत हो जाता है और साधक मंगल और शनि को हनुमान जी के दर्शन करता रहे और अपने घर से निकलने से पूर्व 7 बार इस मंत्र का उच्चारण करे, अवश्य ही उसे उस कार्य में सफलता मिलती है। विपत्ति में पड़ने पर भी इस मंत्र को अगर साधक मन में मानसिक जप करता है तो तुरंत ही उसे तत्काल मदद प्राप्त होती है और शक्ति प्राप्त हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो आदेश गुरु को सोने का कड़ा तांबे का कड़ा हनुमान वनगारे सजे मोढ़े आन खड़ा। इस प्रकार से इस मंत्र के शाब्दिक अर्थ को समझने की जरूरत नहीं है, बस इस मंत्र का जप करने की आवश्यकता है, अवश्य ही आपको सिद्धि प्राप्त होगी और आपके कार्य में आने वाले विघ्न और बाधा दूर होगी। प्रथम दिन एक माला करके मंत्र जागृत करें, अगरबत्ती जरूर हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति के सामने लगाएं, गुड़ का भोग लगाएं और 1-2 माला करके इस मंत्र को जागृत कर दीजिए। तत्पश्चात घर से निकलने से पूर्व 7 बार इस मंत्र को उच्चारण करके निकलें, अवश्य आपको उस कार्य में सिद्धि प्राप्त होगी, सफलता प्राप्त होगी, इसमें संदेह नहीं है। जय बजरंगबली।